हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रही हूँ कि अगर आप भी अपने बुटीक में डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस, खुद के डिज़ाइन किए हुए ड्रेसेस, ब्लाउजेज, ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं, दुपट्टास, एवरीथिंग जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, आप खुद डिज़ाइन करके सेल आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप प्राइसिंग क्या रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल भी हो और कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट वाला भी ना हो। तो चलिए आज थोड़ी डिटेल से जानते हैं इस बारे में। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने बुटीक में प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक ब्लाउज़ है, ये एक जैकेट ब्लाउज़ है, इसमें ज़िप अटैच की है, साथ में यहाँ पर देखिए हमने लेस अटैच की है, बहुत ही अच्छी लेस है। तो ऐसे ब्लाउजेज के लिए, ऐसे डिज़ाइंस के लिए मैं आपको बता दूँ कि इस तरह का जो भी आपका है, आपके लिए मैं अभी स्टार्टिंग से करती हूँ कि आपने जो भी फैब्रिक, अगर फैब्रिक आपका है, आप उसे सेल आउट कर रहे हैं, तो आप खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं सारी चीज़ें, फैब्रिक भी आपका है, उसमें लगने वाले मटेरियल्स भी आपके हैं, तो इस फैब्रिक में जो भी कॉस्ट है आपका, आपका जितना भी कॉस्ट आ रहा है इस फैब्रिक का, जितना भी आपका ये फैब्रिक यूज़ हो रहा है इस डिज़ाइन को बनाने के लिए, वो फैब्रिक किस क्वालिटी का है और उसकी क्या राइट प्राइसिंग आपके लिए पड़ी है, और कस्टमर को अगर आप सेल करते हैं, ये फैब्रिक सिर्फ सेल करते हैं, तो पर मीटर क्या कॉस्ट पे आप उसे सेल करेंगे कस्टमर को, वो आपको सोचना होगा, उसका कॉस्ट आपको ऐड करना होगा, प्लस आपने जो ये लेस ऐड की है, लेस इसमें लगाई है, लेस की प्राइस उसमें करनी होगी, साथ में जो ज़िप आपने लगाई है, ज़िप की प्राइसिंग करनी होगी आपको, और उसके बाद फैब्रिक के अंदर आपने लाइनिंग यूज़ की है नहीं की है, लाइनिंग यूज़ की है तो लाइनिंग की क्या प्राइसिंग है वो भी आपको ऐड करनी होगी, प्लस आप फिर उसके बाद में आप अपना लेबर ऐड करेंगे। लेबर दैट मीन्स कि अगर आप वो स्टिचिंग किसी और से करवा रहे हैं तो आप उसे क्या दे रहे हैं स्टिचिंग करने के लिए, वो ऐड करेंगे। तो अगर आप स्टिचिंग खुद कर रहे हैं तो भी आप अपनी लेबर उसमें ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें, प्राइसिंग सारी ऐड करने के बाद में जो टोटल अमाउंट बनता है, उसमें आप एटलीस्ट 5% अपना मार्जिन ऐड करेंगे जो कि आपका प्रॉफिट होगा। 5% के प्रॉफिट पे अगर आप सेल आउट करते हैं तो आपके लिए भी वो बेनिफिटेबल होगा, लॉस में नहीं जाएगा, कस्टमर के लिए अट्रैक्शन होगा, आपके पास सही प्राइसिंग पे उन्हें सही चीज़ मिल जाएगी। तो ये था इसके लिए, जैसे कि ये जो फैब्रिक है उसका कॉस्ट, प्लस इसमें लाइनिंग नहीं था तो इसमें लाइनिंग हमने ऐड नहीं की है, लाइनिंग का कॉस्ट ऐड नहीं किया है, ज़िप का कॉस्ट ऐड किया है, लेस का कॉस्ट ऐड किया है, मेन फैब्रिक का कॉस्ट ऐड किया है, उसके बाद हमने लेबर ऐड की है और फिर इस जैकेट ब्लाउज़ की प्राइसिंग की है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूँ, कुछ ब्लाउजेज ऐसे भी होते हैं जिनमें थोड़ी डिज़ाइंस करनी पड़ती है, जैसे कि ये कोट कॉलर ब्लाउज़ है, इसमें यहाँ फ्रंट में हमने बटन्स दिए हैं, डिज़ाइनर बटन्स हैं, तो बटन्स की क्या प्राइसिंग पड़ रही है वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। टोटल कप वाला ब्लाउज़ है, पफ लगा हुआ है इसमें, मैं आपको इनसाइड से शो करती हूँ, देखिए इसमें कप लगा हुआ है, कप वाला ब्लाउज़ है, और साथ ही में इसमें लाइनिंग भी लगी हुई है। लाइनिंग आप किस क्वालिटी की लगा रहे हैं, कॉटन लगा रहे हैं, क्रेप, सैटन, जो भी फैब्रिक आप लगा रहे हैं लाइनिंग के लिए, लाइनिंग का फैब्रिक किस क्वालिटी का है, उसकी क्या प्राइसिंग है वो आपको ऐड करना होगा। आपको फैब्रिक की क्वालिटी के वाइज फैब्रिक कितना यूज़ हो रहा है, जैसे ये फुल स्लीव का कॉलर ब्लाउज़ है तो इसमें फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा जाता है, तो इसकी फैब्रिक उतनी ही फैब्रिक का प्राइस ऐड करना पड़ेगा आपको। डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने के लिए डिज़ाइंस में थोड़ी और एक्स्ट्रा टाइमिंग लगती है, तो उसके लिए हम पे भी एक्स्ट्रा करते हैं। अगर हम लेबर से भी करवाते हैं, लेबर मतलब दैट मीन्स कि अगर हमने टेलर भी रखा है अपना, या हमारे साथ हेल्पर्स भी हैं, उनसे भी स्टिच कराते हैं, तो डिज़ाइनर ब्लाउज़ के लिए हम उन्हें एक्स्ट्रा पे करते हैं, तो वो स्टिचिंग आपको इसके साथ इंक्लूड करनी होगी, प्लस 5-10% आप अपना एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके ब्लाउज़ को, डिज़ाइनर ब्लाउज़ को सेल आउट कर सकते हैं। तो इसमें आपको 5-10% का प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो कि बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसके लिए आप अपनी जो प्राइसिंग है वो 20-25% की भी मार्जिन रख सकते हैं, या 50% एक्स्ट्रा भी उस पर रख सकते हैं। तो इसके बाद में ये देखिए, अब जैसे इस तरह का ब्लाउज़ है, ये फैब्रिक थोड़ी अच्छी क्वालिटी का है और अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है,
हमारे एरिया में इसे जेमी चू फैब्रिक के नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में इसे कौन सा फैब्रिक कहते हैं उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। पफ स्लीव्स हैं, इसे स्टिच करने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ही सिल्की टाइप का फैब्रिक होता है और आप देख सकते हैं इसकी शाइनिंग कितनी अच्छी है। सिल्की फैब्रिक होता है तो इसकी स्टिचिंग में भी बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह के फैब्रिक के स्टिचिंग के लिए भी हमें एक्स्ट्रा पे करना होता है। साथ ही में आप टसल्स लगाते हैं तो टसल्स आप किस क्वालिटी के लगा रहे हैं, फैब्रिक के ही लगा रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऐड ना करें। अगर फैब्रिक के टसल्स में कुछ एक्स्ट्रा डिज़ाइनिंग है जिसमें लेस, आपके सिक्वेंसेस, बीड्स या कुछ और भी अदर उससे डिज़ाइन करने में, फैब्रिक में बहुत सारे हैंगिंग्स लगा रहे हैं फैब्रिक के वन बाय वन, जैसा कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में है फैब्रिक हैंगिंग्स, इसी के नीचे बहुत सारे लगाते चले जा रहे हैं, तो उसका कॉस्ट आप अलग से ऐड कर सकते हैं क्योंकि उन्हें स्टिच करने में और भी ज़्यादा टाइम और भी ज़्यादा मटेरियल यूज़ होता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी, जैसा कि हैंगिंग्स के बारे में बताया मैंने, इसमें देखिए हैंगिंग्स में इस तरह से बीड्स भी लगाए गए हैं, तो इसके लिए आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसका एक्स्ट्रा चार्ज आपको ऐड करना पड़ेगा। आप जितना भी ऐड करें अपने एरिया के अकॉर्डिंग, आप जितना भी चार्ज एक्स्ट्रा में ऐड करें आपको इसके लिए भी ऐड करना चाहिए। सेम यहाँ पर जैकेट ब्लाउज मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिप लगी है, लेस ऐड की है बट इसमें नो लाइनिंग क्योंकि इसका फैब्रिक ऑलरेडी थिक है, तो सिर्फ फैब्रिक का कॉस्ट ऐड किया गया है। बट यहाँ पर हमने ये एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड की है, साथ ही में सिक्वेंस और थ्रेड्स के साथ एम्ब्रॉयडरी प्रोवाइड की है, तो एम्ब्रॉयडरी में आप कितना चार्ज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर किसी और से आप एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं, अपने मास्टर से एम्ब्रॉयडरी करवा रहे हैं, तो उन्हें आप कितना पे कर रहे हैं इसके लिए आपको वो इसमें इंक्लूड करना होगा। अगर आप खुद एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं तो आपके अकॉर्डिंग क्या चार्जेस होने चाहिए इस एम्ब्रॉयडरी के, वो आप इसमें इंक्लूड करके आप अपने ड्रेस की, अपने ब्लाउज की, जो भी आप स्टिच कर रहे हैं आप उसके लिए उसमें कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये कुर्ता आपको मैं शो करूँगी, यहाँ पर देखिए फैब्रिक की क्वालिटी भी अच्छी है, लाइनिंग इसके अंदर नहीं है बट यहाँ पर बीड्स ऐड की गई हैं फ्रंट में, तो इस डिज़ाइनिंग के लिए आप एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड कर सकते हैं। कुर्ते में जैसे कि आपको शॉर्ट कुर्ता है, ये शॉर्ट लेंथ कुर्ता है, तो इसमें कम से कम 2 मीटर फैब्रिक लगता है, स्लीवलेस बना है बट इनसाइड में शॉर्ट स्लीव्स इसके साथ इंक्लूड की गई हैं, तो टोटल जो फैब्रिक लगा है 2 मीटर लगा है इसमें कुर्ते को बनाने में, तो 2 मीटर फैब्रिक का प्राइस प्लस स्टिचिंग आप इसकी कितनी पे करेंगे वो लेबर चार्ज, और साथ ही में आपकी जो डिज़ाइनिंग में जो मटेरियल यूज़ हुए हैं, आपके थ्रेड्स जो यूज़ होते हैं स्टिचिंग करते समय, वो सारी चीज़ें आपको इसमें इंक्लूड करनी होगी। जो भी मटेरियल आप उसमें यूज़ कर रहे हैं सबके प्राइस इंक्लूड करें, फिर 5, 10, 15 अपने एरिया के अकॉर्डिंग आप इसमें परसेंटेज ऐड कर लें। कम से कम 5% आप भी ऐड करेंगे तो भी आप, अगर न्यू बुटीक है या फिर आपके एरिया में कंपटीशन बहुत है, तो 5% के भी बेनिफिट पे आप सेलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह के हैवी वर्क वाले ब्लाउजेज भी, जैसे कि अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं इस तरह के हैवी वर्क वाले, ये जैसे कि एम्ब्रॉयडरी की गई है, इस तरह के हैवी वर्क वाले ब्लाउजेज़ भी अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप ये पूरा रॉ मटेरियल आपने कितने का लिया है, कितने का रॉ मटेरियल आपका इसमें इंक्लूड हो गया है, और साथ ही में आपका ये कोट कॉलर पैटर्न में डिज़ाइन किया गया है, फैब्रिक की क्या क्वालिटीज़ आ रही हैं वो सारी चीज़ें, से जॉर्जेट का फैब्रिक लेंगे तो आप वो अलग रेंज का आता है, कॉटन अलग रेंज का, रेयन अलग रेंज का, सारी चीज़ें अलग अलग प्राइसेस की होती हैं। तो आपको अब इस वीडियो से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आप ये सारी चीज़ों के कॉस्ट को पहले ऐड कीजिए कि आपके लिए पर पीस पे क्या कॉस्ट पड़ रहा है, और कस्टमर को अगर आप सिर्फ रॉ मटेरियल सेल करेंगे तो आप किस कॉस्ट पे सेल करेंगे, फिर उसके बाद में इसमें कंपैरिजन करने के बाद में कि आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, आप लेबर चार्ज इंक्लूड कीजिए, ब्लाउज़ का फैब्रिक, डिज़ाइनिंग, ब्लाउज़ में थ्रेड क्या कितने लग रहे हैं, एक्स्ट्रा एसेसरीज जैसे कि बटन्स हो गए, आपके बीड्स हो गए,
लेजेस हो गई, क्या चीज़ आप उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, क्या क्या सामान आपके लग रहे हैं, वो सारी चीज़ों के प्राइस इंक्लूड करने के बाद में आप 5-10% बेनिफिट पे आप सेल आउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको लॉस भी नहीं होगा और कस्टमर का जो है अट्रैक्शन आपके बुटीक के लिए बना रहेगा। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी कि आप अपने बुटीक में ड्रेसेस के लिए प्राइसिंग कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अगर यूज़फुल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ अच्छे अच्छे डिज़ाइनर आइडियाज़ और बुटीक मैनेजमेंट टिप्स के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट डिज़ाइनर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।